मध्य प्रदेश में होली कांग्रेस सरकार के लिए बेरंग साबित हुई है। मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सियासी ड्रामे के बीच कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 18 साल पुराना राजनीतिक रिश्ता खत्म कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह फैसला अपने पिता माधवराव सिंधिया की जयंती पर लेकर अपनी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया की मुराद पूरी कर दी है। साथ ही वे अपनी दादी के पद चिन्हों पर चलते नजर आ रहे हैं। दरअसल ग्वालियर के सिंधिया राजघराने में 1 जनवरी 1971 को पैदा हुए ज्योतिरादित्य की दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने ग्वालियर पर राज किया है। विजयाराजे सिंधिया ने 1957 में कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की थी। वो गुना लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई, लेकिन 1967 में वो जनसंघ में चली गई। विजयाराजे सिंधिया के चलते ग्वालियर में जनसंघ मजबूत हुआ और 1971 में इंदिरा गांधी की लहर के बावजूद जनसंघ यहां की 3 सीटें जीतने में कामयाब हुआ। विजयाराजे सिंधिया भिंड से, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से और ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया गुना से सांसद बने। माधवराव सिंधिया अपने माँ पिता के इकलौते बेटे थे। वो 4 बहनों के बीच अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। माधवराव सिंधिया सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद चुने गए थे, लेकिन वो बहुत दिन तक जनसंघ में नहीं रुके। 1977 में आपातकाल के बाद उनके रास्ते जनसंघ और अपनी माँ विजयाराजे सिंधिया से अलग हो गए, जिसके बाद 1980 में माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत कर केंद्रीय मंत्री भी बने, लेकिन 2001 में विमान हादसे में उनका निधन हो गया। माधवराव सिंधिया के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता की विरासत संभाली और कांग्रेस के मजबूत नेता बने। गुना सीट पर उपचुनाव हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद चुने गए। साल 2002 में पहली जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारा झटका लगा। विजया राजे सिंधिया की बेटियां वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया ने भी राजनीति में आई। साल 1984 में वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई और कई बार राजस्थान की सीएम बनी। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया की बहन यशोधरा की शादी के बाद 1994 में भारत लौटी और अपनी मां की इच्छा के मुताबिक बीजेपी में शामिल हुई, जिसके बाद 1978 में बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव लड़ा। 5 बार विधायक रह चुकी यशोधरा राजे सिंधिया शिवराज सिंह चौहान के सरकार में मंत्री भी रही हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत भी बीजेपी में ही हैं। वो अभी राजस्थान के झालावाड़ सीट से सांसद हैं। न्यूज़ डेस्क।